हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप जो है जूम मीटिंग एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे साइन इन कर सकते हैं और कैसे साइन अप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आप जो है अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, मैक ओएस या फिर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है ईजिली जूम मीटिंग एप्लीकेशन में जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप जो है कोई भी ब्राउज़र को जो है ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ, गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है जूम मीटिंग, फिर आप जो है इंटर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है डाउनलोड द जूम एप्लीकेशन। तो आपको जो है सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल करना है। ये पेज थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इतने सारे ऑप्शंस जो है देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर 64 बिट है तो आप 64 बिट डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आप 32 बिट डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एक और ऑप्शन भी जो है देखने को मिल जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं इसको जो है यहाँ पर क्लिक कर डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया था। अभी जो है आपको यहाँ पर एक और प्रोसेस बताने वाला हूँ जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का। तो इसको जो है क्लोज कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ के सर्च में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। इस तरीके से आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के सर्च बार में टाइप करना है जूम, इस तरीके से। तो जैसे कि दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं आपको जो है यहां पर जूम वर्क प्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जो है इसको क्लिक कर यहां पर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं आपके पीसी में। तो यहां पर आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो अभी मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को जो है क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आपको मैंने जो जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था, अभी आपको ओपन कर बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसको डबल क्लिक कर इंस्टॉल कर देना है आपके पीसी में। बहुत सिंपल है दोस्तों, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कोई हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस जो है देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं साइन अप के ऊपर जो है क्लिक करने वाला हूँ। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया है इसमें, तो यहाँ पर आप साइन इन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो और आप यहाँ पर से दोस्तों ईजिली जो है डायरेक्ट यहाँ पर आप ज्वाइन इन मीटिंग के ऊपर क्लिक कर आप आईडी जो है टाइप कर मीटिंग में ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल पहले साइन इन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पर अगर आप फ्री का यूज़ कर रहे हैं जूम मीटिंग एप्लीकेशन, तो आपको जो है यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट योर फ्री बेसिक अकाउंट, अनलिमिटेड मीटिंग फॉर अप टू 40 मिनट एंड 100 पार्टिसिपेंट एज, ऑटोमेटिक कैप्शन टू हेल्प मेक मीटिंग मोर इंक्लूसिव, सिक्योर HD क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो। और यहाँ पर थर्ड वाला फोर्थ वाला जो ऑप्शन है 3 एडिटेबल वाइट बोर्ड और टीम चैट फॉर कोलैबोरेशन, फाइल शेयरिंग। तो इतने सारे ऑप्शन जो है आपको फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको जो है यहाँ पर एक और भी ऑप्शन जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है वेरीफाई योर एज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज़ कन्फर्म योर बर्थ ईयर, दिस डाटा विल नॉट बी स्टोर, ये डाटा जो है स्टोर नहीं होगा। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर आप जो है अपना बर्थ टाइप कीजिए। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बर्थ ईयर जो है टाइप किया हूँ। अभी यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एप्पल आईडी से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से, फेसबुक से भी आईडी जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है अभी ईमेल एड्रेस जीमेल से ही इसको जो है अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर जीमेल को जो है टाइप कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है जीमेल को टाइप किया हूँ। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए।
तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर चेक योर ईमेल फॉर ए कोड, तो आपकी ये ईमेल के ऊपर जो है यहाँ पर कोड आ गया है, तो आपको इसको टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर ये कोड को जो है सबसे पहले टाइप कर लेता हूँ इस तरीके से, फिर आपको यहाँ पर सिंपल वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके पास जो है आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो अभी आपको यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है। दोस्तों यहाँ पर आप पासवर्ड में हिंट देख सकते हैं, आपको जो है यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं। पासवर्ड मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, 1 नंबर, 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस लेटर। तो आपको जो है यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस का यूज़ करना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नेम भी जो है टाइप कर लिया हूँ। अभी सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जूम वर्क प्लेस, तो ये यहाँ पर जो है अभी 1 टाइम पासकोड पूछ रहा है, तो आपको जो है यहाँ पर चेक करना है आपका ईमेल और एक बार से आपको यहाँ पर पासकोड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, तो अब आपका यहाँ पर अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है जूम वर्क प्लेस एप्लीकेशन में। आप जो है इसको इस तरीके से मोबाइल में भी आप जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप जो है पीसी में भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मैकबुक या मैक ओएस भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी जो है देखने को मिलते हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीम चैट भी आपको मिल जाता है। मोर ऑप्शन में भी आप जाकर जो है यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं और आपको जो है यहाँ पर इसकी सेटिंग्स भी जो है मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को जो है क्लोज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आप इस तरीके से इजीली विंडोज़ पीसी में जो है जूम मीटिंग एप्लीकेशन में अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।